उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि पुलिस जहां एक्शन पर एक्शन ले रही है, वहीं दूसरी ओर दबंग किस्म के बदमाश खुले आम प्रशासन को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, एक ऐसा ही मामला सामने आया है यूपी के जौनपुर जनपद से, जहां दबंगई दिखाते हुए कुछ मनचलों ने एक साधु की बस इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि गाड़ी बैक करते हुए उसकी गाड़ी दबंगों की गाड़ी से टच हो गई थी। बता दें कि साधु की पिटाई की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुजारी शमशान घाट पर गए हुए थे, जहां पर गाड़ी मोड़ने के दौरान दबंगों की गाड़ी से हल्की टक्कर लग गई, जिसके बाद दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। पुजारी बचाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन इस दौरान उसकी किसी ने मदद नहीं की, जिस वजह से पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पीड़ित ने बताया कि पुलिस आरोपियों को बिना कुछ कार्रवाई के ही उन्हें छोड़ दिया है। बाबा जी, हम वहाँ गए मुर्दा फूके गए, गाड़ी थोड़ा बैक करे लागे और इतने पे सब आई के मारे। और हम पुजारी है ही साईं बाबा का मंदिर उन्दिर बनवाए थे, घरे रही थे, हम चला गए, हमारे गुरु जी रहे फूके और इतने सब वहाँ लपट के बहुत मारे। अच्छा, पुलिस कोई कार्रवाई की है इसके ना? ना पुलिस कुछ ना, पुलिस ले गए, फिर पुलिस अगला पार्टी से माल उल लेके छोड़ दे। गाड़ी उड़ी भी तोड़े? हाँ, गाड़ी भी हमारे तोड़ दें। कई लोग रहन मारे? अरे कम से कम 20-25 जने रहन। बहुत बेतुका मारे थे? हाँ मारे साहब, बहुत मारे हैं। तो कहीं शिकायत उकायत की है? ना हम कर तो शिकायत उकायत ना के। कहाँ गए हैं? रामघाट मारे भी वहीं राम। हाँ, रामा घाट मारे हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रविकांत यादव पुत्र हरिनाथ यादव निवासी सैदनपुर थाना लाइन बाजार जौनपुर अपने गुरु के अंतिम संस्कार के लिए गाड़ी से शमशान घाट आए थे, जहां मारपीट की गई। खैर, इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो अब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।